गुड मॉर्निंग एवरीबडी, अब लेकर आया हूँ आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है पॉइंट आउट एट समवन और समथिंग। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं, या ऐसा कोई इंसान जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इशारा करना का मतलब ये है कि उसको बताना कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरा घर है ना, इस तरीके से। तो ये मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह मेरा दोस्त है। हमने क्या किया, एक पॉइंट आउट किया, हमने एक इशारा किया। इसे समझने के लिए सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है ये समझ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज और सच को रखा जाता है। इसको दिस यानी यह, जिसका मतलब था सिंगुलर लेकिन नियर होता है यानी पास में होता है। दैट यानी सिंगुलर होता है लेकिन दूर होता है, ठीक। दीज यानी प्लूरल होता है लेकिन नियर होता है। दोज यानी प्लूरल होता है लेकिन फार होता है। सच की बात करने से पहले इन चारों को एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो दोस्तों, दिस सिंगुलर है, पास में होता है, उसका प्लूरल क्या होता है, दीज, ठीक है। ये दैट सिंगुलर है लेकिन दूर है, इसका प्लूरल क्या होता है, दोज। बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको, ठीक है। तो दिस के लिए क्या बना, दीज, दैट के लिए क्या बना, दोज। यानी ऊपर वाले तो जो है सिंगुलर है और उसके नीचे प्लूरल है। सच का मतलब क्या होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ये नियर भी होते हैं और फार भी होते हैं। क्या मतलब है इनका तो मैं फटाफट बता देता हूँ, कोई मतलब ज़्यादा खासा बड़ा नहीं है इसका। ये देख लो, लिखा हुआ है कि दिस इज रोहन्स बुक। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, शायद बुक की, और वो बुक शायद मेरे पास पड़ी है, इसीलिए मैंने दिस यूज़ किया। और दिस होता है क्या, सिंगुलर, क्योंकि किताब एक ही है, तो उसके साथ क्या आ गया, इज आ गया। समझ में आ गई बात। तो दिस इज रोहन्स बुक। भाई मेरे अगर कोई पास में चीज़ है तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज माय की। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी चाबी है, यानी चाबी अब मेरे पास में है तो उससे क्या कहूँगा, ये मेरी चाबी है। अब अगर यही चीज़ दूर हो जाए तो देखो कैसे लिखेंगे, दैट इज़ माई होम। यानी कि ये होम जो है वो नज़दीक नहीं है, वो दूर है। आप यहाँ खड़े हो और दूर दराज कहीं पे आपका घर बना हुआ है, और इससे आप बता रहे हो कि दैट इज़ माई हाउस, है ना। तो ये जो बना हुआ है वो आपका घर है, तो ये दूर है, बहुत दूर है। तो ऐसे समय में क्या कहेंगे, दैट यूज़ करेंगे, लेकिन घर तो एक ही है, इसलिए क्या आएगा, इज़ आएगा। देयर आर माई फ्रेंड्स, अब देखो, सॉरी, दीज आर माई फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा। जब जनसंख्या ज़्यादा हो, यानी कि प्लूरल की जनसंख्या हो, तो फिर यूज़ क्या करेंगे, दीज यूज़ करेंगे। और ये सारे के सारे दोस्त कहाँ खड़े हैं, नज़दीक हैं, तो क्या बोलूँगा, दीज आर माई फ्रेंड्स, यानी ये सब मेरे दोस्त हैं। फिर आता है दोज आर रोहन्स बुक। अब मतलब ये हुआ कि शायद हो सकता है जहाँ हम खड़े हैं उस जगह पर वो किताबें नहीं पढ़ी है, और किताबें पढ़ी है कहीं दूर। तो ये दूर के जो सेट लगा हुआ है किताबों का, ये इसको देख कर दिमाग में क्या कहेगा, ये बोलेगा भाई कि वो किताबें तो किसकी है, रोहन की है। तो दोज आर रोहन्स बुक, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए क्या आ गया, आर आ गया। तो क्या इतने बकवास क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे? नहीं दोस्तों, ये नहीं पूछा जाता, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। पूछा क्या जाता है, तो देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, आई हैव आई 20 एंड एन आई 10, यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। ये क्या क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो दिस दिख रहा है और ये जो दैट दिख रहा है, ये कौन से नाउन के लिए आया है, आई 20 के लिए आया है या आई 10 के लिए आया हुआ है। यानी कि हमारे पास दो नाउन है और उसके लिए दिस और दैट यूज़ किया गया है। समझना ये है कि ये दिस आई 20 के लिए है या आई 10 के लिए, ये दैट आई 10 के लिए है या आई 20 के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, दिस अपने सबसे नज़दीक वाले को टारगेट करता है, नाउन फर्स्ट, नाउन टू। अब दिस कहाँ लगा हुआ है, कि भाई दिस यहाँ लगा हुआ है, तो दिस के जस्ट नज़दीक कौन सा है, नाउन टू है, तो ये नाउन टू को करेगा, और दैट किसको करेगा, नाउन फर्स्ट को, ठीक है। इस तरीके से आप सेलेक्ट करें तो क्या करेंगे, तो दिस के नज़दीक कौन है, मुझे जहाँ तक लगता है आई 10 है, बिल्कुल सही। दिस के लिए क्या आया, आई 10, और दैट के लिए क्या आया, आई 20, क्योंकि ये दूसरे को यानी दूर वाले को क्वालिफाई करता है। तो ध्यान रखें, दिस बराबर नियर नाउन और दैट बराबर फार नाउन।
बस इतना ही ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। थोड़ा ढंग से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है पहले वाले पे भी और इस पे भी। पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, थोड़ा सा गलत हो गया था माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नज़दीक कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, ठीक है, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर इंटरलिंक्ड, वी हैव टू इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल दैट। अब देखो ये बात समझो ढंग से, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये रहा दिस और ये रहा दैट। अब अपन ने क्या पढ़ा था, दिस बराबर नज़दीक वाला, तो अगर ये वापस पीछे जाएगा तो पीछे जाते जाते सबसे पहले क्या दिखा, पॉपुलेशन, और अगर ये पीछे चला तो इसके लिए क्या आएगा, पॉवर्टी। तो ये अगर ऐसे आएगा तो आप इसका अर्थ निकाल कर देखो एक बार सेंटेंस का, क्या कह रहा है, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर इंटरलिंक्ड, गरीबी और जनसंख्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वी हैव टू इरेडिकेट दिस, हमें इरेडिकेट कर देना है। बेटा इरेडिकेट का मतलब होता है रूट आउट करना, मतलब जड़ से ही उखाड़ के फेंक देना। तो आप जनसंख्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक दोगे, तो अगर जनसंख्या को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दोगे तो पॉवर्टी कैसे खत्म होगी, फिर तो इंसान मानव ही खत्म हो गया हो जाएगा। और अगर ऐसा ही करना है दोस्त तो अपना जन्म ही क्यों हुआ है। तो ये देखो फटाफट क्या मतलब निकलता है इसका, इसका मतलब निकलता है कि ये दिस और दैट। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक एरर है, ये पॉवर्टी तो आना चाहिए इस जगह पर और पॉपुलेशन आना चाहिए इस जगह पर। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से ट्रिकी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कभी कभी नाउन जो होते हैं ना वो एक दूसरे को चेंज कर देते हैं, तो आपको समझ कर करना होगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन रूट आउट हो गई तो पॉवर्टी की तो वैसे ही मिटाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए आपको पॉवर्टी को जड़ से ख़त्म करना है ताकि कंट्रोल हो जाए हमारी पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। इतना ही आज के लिए डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।